देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा, शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे, या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। हम लवी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फिलहाल हम लवी में फंसे हुए हैं, हमारे रहने के हालात सही नहीं है, हम सही से सो नहीं पा रहे, हमारे खाने के सप्लाईज कम हो रहे जा रहे, पानी कम होता जा रहा है, हमारे सरकार हमें रात 5:30 बजे हम हर दिन एक सायरन बजता है, हमें बंकर में भागना पड़ता है अपने अपने, रात में हम एक एक करके सो पाते हैं, अच्छी नींद नहीं होती है, 3 दिनों से हमारी नींद हराम हो चुकी है। कल हम पोलैंड बॉर्डर के लिए निकले थे, रूसा बॉर्डर के लिए, वहाँ हमें 20 किलोमीटर लगभग चलने के बाद पता चला कि वहाँ पे पेडेस्ट्रियंस को अलाउड नहीं है जाना, मतलब जो लोग पैदल जा रहे हैं वो नहीं बॉर्डर पार कर सकते, जो पर्सनल व्हीकल्स में वही सिर्फ बॉर्डर पार कर सकते हैं। फिर हमें एक सरकार से नोटिस आई एम्बेसी की तरफ से कि हमें शनी मेडिकल बॉर्डर की तरफ चलना चाहिए, लेकिन हमारे दोस्त लोग हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें वो खबर आई कि वहाँ पे 30-40 किलोमीटर लंबी लाइन है, और रात में ठंड बहुत बढ़ रही है, रात में ठंड नहीं भी तो हम भी कल रात 12 बजे वापस अपने हॉस्टल आए, कर्फ्यू 10 बजे खत्म हो गया, कर्फ्यू 10 बजे शुरू हुआ यहाँ पे लगे हुए, उसके बावजूद हम अपने डेस्क पे 12 बजे तक यहाँ पहुँचे। हमने एम्बेसी वाले हेल्पलाइन नंबर से बात करी, उन्होंने हमें बोल दिया कि हम तुम्हें बॉर्डर खुद अपने बंदे को पहुँचना होगा, एम्बेसी से कोई मदद मिलने की उम्मीद कम लग रही है हमें, और यहाँ से बॉर्डर जाने के लिए भी हमें अपने खुद के रास्ते पे जाना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है, और सप्लाईज भी हमारी सारी खत्म होने वाली है, सप्लाई होने के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, तो वो भी बहुत हम लोग के लिए रिस्की हो जाता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा ही पैसे खर्च कर चुके हैं अभी तक, एंड ATMs में यहाँ लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, कैश कभी टाइम पे मिलता नहीं है, बहुत लंबी लाइन्स लगती हैं, और उसके बीच में अगर सायरन बज जाता है तो बच्चों को भाग के वापस जाना पड़ता है या किसी आस पास बंकर में जाना पड़ता है, काफ़ी डर का माहौल है यहाँ पे, और हम लोग मेंटली एंड फिजिकली बहुत खराब कंडीशन में हैं, थक चुके हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ हेल्प जल्दी से जल्द भेजे, क्योंकि यहाँ हालत बहुत खराब हो रही है हम लोगों की, और जैसा भी हो तो वैलिड नंबर्स के साथ हमें PDFs भेजे जाए, एडवाइजरीज जारी की जाए, क्योंकि मेरा नाम पुलकित श्रीवास्तव है, मैं त्रिणकुल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और फिर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है, हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे, हम यहाँ पे आए तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं, और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, और आप सिचुएशन देख सकते, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा खराब हो रही है, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट है, काफी ज्यादा यहाँ पे यूक्रेन लोग भी है, काफी इंडियन स्टूडेंट भरे पड़े हैं यहाँ पे, 5,000+ स्टूडेंट यहाँ देख सकते, कितनी भीड़ लगी पड़ी है, 5,000+ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एम्बेसी का एक स्टाफ नहीं है, जो एम्बेसी से हमें नंबर्स मिले थे उन नंबर पे कॉल करने पे वो लोग हमें कुछ ना ही कोई जवाब दे रहे हैं, और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा है, ये बोला गया था कि एम्बेसी यहाँ पे होगी और हम लोग को पास कराएगी, बॉर्डर पास कराएगी, लेकिन एम्बेसी का कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कल सुबह 3 बजे से हम लोग खड़े हैं, और यहाँ अभी तक हम लोग बॉर्डर पास नहीं कर पाए, उनको कितना भी बोलो गिरा हो, लेकिन ये लोग गेट खोल नहीं रहे, इंडियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई नहीं, ये सारी बातें केवल हम लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पे हमारा हालत है -5 अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन फिर भी ठंड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है, हमसे क्या करे, लाचार सब न्यूज लाचार बने।